हेलो एवरीवन, इन गर्मियों के सीजन के लिए आज हम बनाने वाले हैं एक देसी समर कूलर ड्रिंक जो हमें तरावट देने के साथ साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन भी देगा। और जी हाँ, ये है ठंडाई। इस ठंडाई का हम कॉन्सेंट्रेट बनाने वाले हैं जिसे आप महीनों तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको ठंडाई पीनी हो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लेके उसमें दूध मिला के ठंडाई तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को भिगाना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून ही मैंने काजू लिया है, यहाँ मैंने होल काजू लिया है, आप चाहे तो काजू टुकड़ा भी ले सकते हैं। और साथ ही में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मगज के बीज, आप चाहे तो तरबूज के बीज भी इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे हम 15 से 20 बादाम, 1 टेबलस्पून के करीब खसखस, 1.5 टीस्पून के करीब सौंफ और 1.5 टीस्पून के करीब ही खड़ा धनिया। सौंफ और खड़ा धनिया दोनों ठंडी चीजें होती है, ये अपने शरीर को तरावट देती है, आप चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में उस ठंडाई के तीखे फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 10 से 12 काली मिर्च। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ फ्रेश गुलाब की पत्तियां, अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप ड्राई रोज का भी यूज कर सकते हैं, या चाहे तो 2 टेबलस्पून के करीब गुलकंद भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीजों में हम पानी डाल के इसे अच्छी तरह से भीगने देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि हमें इनका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं भी हो तो उसके बिना भी आप बना सकते हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारा ये जो मिक्सचर है अच्छी तरह से फूल गया है, काजू बादाम सब अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए इसे हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे भीगा हुआ केसर, ये हमारी ठंडाई को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर भी देगा। अगर आपको जरा भी दरदरापन पसंद नहीं है तो आप चाहे तो इसे एक मोटी छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं। और पेस्ट हमारा तैयार है, अब चलते हैं हम इसका सिरप बनाने की तरफ। शुगर सिरप यानी चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब पानी, और इसमें मैं ऐड करूंगी 1.25 कप के करीब शुगर, यानी करीब 270 या 275 ग्राम के करीब शक्कर है, और इसकी अब हमें चाशनी बनानी है। गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे तब तक जब तक कि हमारी शक्कर पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए, और जैसे जैसे हमारी शक्कर डिसॉल्व होती जाएगी इस चाशनी का कलर ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। और 4 से 5 मिनट में ही देखेंगे कि शक्कर हमारी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है और हमारी चाशनी भी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम कम करेंगे, और जैसी हमारी शक्कर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। इस मोमेंट पर आप एक विस्कर का भी यूज कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और साथ ही में घंटी को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इस चैनल का एक भी वीडियो मिस ना करें। अब चलते हैं हम फिर से अपने वीडियो की तरफ। और इस कॉन्सेंट्रेट को अब हमें 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाए। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा जिससे हमारी ठंडाई खराब नहीं होगी, इसीलिए इसमें आपको अलग से कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। लो फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं और लगातार चलाते रहें ताकि हमारा जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट भी हमने डाला था वो भी अच्छी तरह से पक जाए। और 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इस कलर से आप बहुत ही अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे, क्योंकि जो स्टोर बॉट ठंडाई आती है वो बिल्कुल ऐसी ही लगती है। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो बर्तन की साइड्स पर धीरे धीरे हमारी शक्कर जमने लगती है, मतलब हमारी ये चाशनी और कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरह से बन गया है। और साथ ही अगर आप इसे 2 फिंगर के बीच में लेके देखेंगे तो ये काफी चिकना हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेट तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडाई कॉन्सेंट्रेट हमारा बिल्कुल तैयार है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा, इसलिए इनिशियली हमें इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इस कॉन्सेंट्रेट को आप आराम से बॉटल में भर के 1 से 1.5 महीने के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और बस जब भी आपको ठंडाई बनानी हो 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब आप ये ठंडाई कॉन्सेंट्रेट लीजिए, साथ ही में डालिए ठंडा दूध, आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसके साथ, और इसे मिक्सर में
30 से 40 सेकंड के लिए चर्न कर लीजिए। आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स करके इसे पी सकते हैं और बस आपकी ठंडाई बिल्कुल तैयार है। इस ठंडाई कॉन्सेंट्रेट को अपने घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।